गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। सो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मींस अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि कोई भी पूरी चीज़ का अगर आपको कोई पार्ट पूछा जाए तो उस पार्ट को कहते हैं फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक एप्पल है, ठीक है, इस एप्पल को आप दो इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड कर देते हैं तो इस पार्ट को हम कहेंगे 1/2, यानी 1/2, और ये हाफ एप्पल दूसरा। तो इस एप्पल के दो पार्ट्स हो गए और दोनों इक्वल पार्ट्स में हैं, तो ये हाफ हाफ हो गए, तो हाफ को क्या कहते हैं? 1/2। फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। न्यूमरेटर को हम बोलते हैं n और डिनोमिनेटर को डिनोट करते हैं d से। जैसे ये आपका एग्जांपल है, एक सर्कल है, इसको आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो आपके डिनोमिनेटर में आएंगे। अब इस सर्कल के दो इक्वल पार्ट्स हैं तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे, और जो आपका शेडेड पार्ट होता है वो आपका न्यूमरेटर होता है, तो इसमें शेडेड पार्ट 1 है, सो न्यूमरेटर विल बी 1। तो आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2। अब आते हैं लाइक फ्रैक्शंस पर। लाइक फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, 1/7, 2/7, 5/7, आप देख सकते हैं इनमें डिनोमिनेटर तीनों में 7 है, तो इसलिए ये क्या होंगी? लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हमारा है अगला टाइप फ्रैक्शंस का, वो है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल, 1/7, 2/8, 2/9। इसमें आप देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका 8 है और इसका 9 है, तो यानी कि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, इसलिए ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है हाउ टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस को हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? सिंस देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम, वी ओनली नीड टू कंपेयर न्यूमरेटर्स। आप सभी जानते हैं लाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल, 2/7 एंड 5/7, इसमें आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर्स 7 हैं, तो हम सिर्फ इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। तो 2/7 का न्यूमरेटर 2 है एंड 5/7 का न्यूमरेटर 5 है, तो इसमें 2 जो है, 2 इज स्मॉलर देन 5, देयरफॉर 2/7 इज स्मॉलर देन 5/7। नाउ ऑर्डरिंग लाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को किस में ऑर्डर करना है? तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं? पहला है 5/7, 1/7, 3/7। इसमें तीनों को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे ऑर्डर करेंगे? तो देखो, आप इसके इन सभी लाइक फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हैं? सेम है, इसलिए हम इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि 5 जो है, इसमें 5 है, इसमें 1 है और इसमें 3 है न्यूमरेटर, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर है ये 1/7, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/7, इसके बाद 3/7, उसके बाद 5/7, उसके बाद आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े फ्रैक्शन को पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटी, उसके बाद उससे छोटी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो है 5/7, सेकंड होगी 3/7 और थर्ड होगी 1/7। इसके बाद है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शंस विच हैव न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर। ऐसी फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं उनको प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं, जैसे कि 2/5, 4/7 एंड 9/11। इन तीनों में जो न्यूमरेटर्स हैं, जैसे 2 है,
टू इज स्मॉलर देन फाइव, इसलिए ये क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें भी देखो फोर बाय फोर जो है वो सेवन से छोटा है, इसलिए फोर बाय सेवन क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस का ऑपोजिट होते हैं, यानी कि ऐसी फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर बड़े होते हैं डिनोमिनेटर से, उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। लाइक सिक्स बाय फाइव, सिक्स इज़ ग्रेटर देन फाइव, देयरफॉर सिक्स बाय फाइव इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस विच हैव टू पार्ट्स, ऐसी फ्रैक्शंस जिसके टू पार्ट्स होते हैं, अ होल नंबर फॉलोड बाय अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। दोनों पार्ट्स जैसे कि वन टू बाय सेवन, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसमें वन क्या है, एक पार्ट है वन यानी कि होल नंबर, और दूसरा पार्ट है टू बाय सेवन जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में टू न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, सो वन बाय वन टू बाय सेवन इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, एंड टू थ्री बाय फोर इज़ ऑल्सो अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब आप इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। थर्टीन बाय सेवन, थर्टीन बाय सेवन इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वाई, बिकॉज थर्टीन इज़ ग्रेटर देन सेवन। ठीक है, तो इसमें आप कैसे करेंगे कन्वर्ट। सबसे पहले स्टेप वन, डिवाइड एंड फाइंड रिमाइंडर। आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो सेवन को डिवाइड करेंगे थर्टीन से, तो आंसर आपका रिमाइंडर आ जाएगा सिक्स। तो इसमें आपको कोशेंट मिल जाएगा, कोशेंट इज़ वन, रिमाइंडर इज़ सिक्स एंड डिवाइजर इज़ सेवन। स्टेप टू, स्टेप टू में आप क्या करेंगे, राइट इन द फॉर्म क्यू आर डी, क्यू आर डी की फॉर्म में करेंगे, जिसमें क्यू क्या है, कोशेंट है, कोशेंट इज़ वन, तो हम वन को यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर, रिमाइंडर इज़ सिक्स, तो रिमाइंडर को यहाँ न्यूमरेटर में लिखेंगे, एंड डिवाइजर इज़ सेवन, तो सेवन को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद टॉपिक है आपका कन्वर्ट मिक्स्ड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपकी ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन वन थ्री बाय फाइव। इसमें आप क्या करेंगे कि जो आपका डिवाइज़र है, यहाँ पर डिवाइज़र फाइव है, तो आपका डिवाइज़र यहाँ पर सेम रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर में क्या करेंगे, सबसे पहले फाइव को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें आप थ्री को ऐड कर देंगे। यानी कि पहले हम डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे डी इंटू क्यू, और उसमें प्लस कर देंगे रिमाइंडर। सो हमारा डिवाइज़र है फाइव, तो फाइव इंटू वन इज़ फाइव प्लस थ्री, फाइव प्लस थ्री इज़ एट, सो आंसर इज़ एट बाय फाइव। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस को किस तरह ऐड करते हैं, ये देखिए टू बाय थ्री एंड फोर बाय थ्री, ये दो लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम हैं। सो व्हाट वी विल डू इज़, इसके जो सेम डिनोमिनेटर्स हैं उनको हम एक बार लिख देंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पे थ्री है, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे थ्री, और न्यूमरेटर्स में इन दोनों न्यूमरेटर्स को कर देंगे ऐड, यानी कि टू प्लस फोर इज सिक्स, सो आंसर विल बी सिक्स बाय थ्री। नाउ सेकेंड टॉपिक इज सब्ट्रैक्ट। अब हम लाइक फ्रैक्शंस को जैसे हमने ऐड किया था, सेम वे में ही इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जैसे आपके पास एग्जांपल है 13 बाय 9 माइनस 7 बाय 9, सो इसमें जो न्यू डिनोमिनेटर्स हैं दोनों के सेम हैं, इसलिए हम डिनोमिनेटर को सेम लिख देंगे और न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। 13 माइनस 7 इज 6, सो आंसर विल बी 6 बाय 9।